हेलो साथियों, मैं वीरेंद्र राजवंशी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लास पे। साथियों, आज मैं आपके सबके सामने जो आया हूं अपनी हिंदी की एक सीरीज लेके आया हूं, जो कि हमारे सुपर टेट और यूपी टेट, यूपी पुलिस और सी टेट, इन सब के लिए वीडियो क्या होगा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये हिंदी की सीरीज, और ये हिंदी की सीरीज में तब तक चलेगी जब तक मैं सिलेबस को हिंदी के पूरा ना करा दूं, ठीक है। नहीं तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ हिंदी का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे, और इतिहास को मैं इतना क्लियर कर दूंगा कि इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे दिया है कि भाई हिंदी की भाषा क्या होती है, पहली हेडिंग हमारी यहाँ पे आती है कि भाषा क्या होती है। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के भावों और विचारों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, या किसी को हम अपने भाव और विचार बताते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं, भाषा बोलते हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आ जाते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों भावों को दूसरों के सामने क्या करता है, वो प्रकट करता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और दूसरों के विचारों और भावों को क्या करता है, वो ग्रहण करता है। या तो यानी कि हम अगर किसी से हम बात कर रहे हैं, कोई अपनी बात बता रहे हैं, या कोई दूसरा उससे कोई अपनी बात कर रहा है, तो वो उसमें क्या करते हैं, वो एक दूसरे अपने अपने विचारों या अपने भाव को प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें क्या अब आया कि भाषा के रूप कितने होते हैं। तो भाषा के रूप की मैं बात करूं तो भाषा के रूप तीन होते हैं, ठीक है। नहीं इसमें नंबर फर्स्ट दिया है कि मौखिक भाषा एक होती है, लिखित भाषा, और एक होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि जो हम इंडिकेशन कर देते हैं, जैसे कि हमने किसी को बोला कि टू साइलेंट, तो ये सब क्या हो जाती है कि हमारी सांकेतिक भाषा हो जाती है, ठीक है। मौखिक भाषा आप सभी को पता है कि जो हम बोलते हैं, लिखित भाषा आपको पता है जो हम लिखते हैं, ठीक है। नहीं अब आते हैं भाषा के प्रकार। भाषा तीन प्रकार की होती है, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और राजभाषा, ठीक है। नहीं और साथ साथ में जो राजभाषा है, यानी कि हमारी जो राजभाषा वो हिंदी है, मैंने वो लिखा भी है, ठीक है। नहीं और हिंदी है और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो वहां पे मैंने आपको बताया भी है कि अनुच्छेद। अब ये देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि जो आपकी हिंदी भाषा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो वो अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है, ठीक है। नहीं और भाग भी कई बार पूछा गया है, तो भाग 17 है और, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रकार बताया कि एक मातृभाषा है, एक क्षेत्रीय भाषा, एक है हमारी राजभाषा। इसमें मैंने राजभाषा आपको हिंदी बताई, हिंदी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, और ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं बचा होगा जिसमें हिंदी नहीं आती हो और ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। यानी कि जितनी भी एग्जाम में आपकी हिंदी पूछी गई है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आया है आपका, ठीक है। नहीं और किस भाग के अंतर्गत आता है ये, लिखित भाग 17 के अंतर्गत, और जो अनुसूची है वो हमारी 8वीं अनुसूची है, ठीक है ना। अब इसके बाद एक नोट मैंने यहाँ पे लिया कि जो हमारे देश में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया है, तो हमारे देश में 22 भाषाओं को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। यहाँ पे मैंने दिया भी, यही नोट में आपको लिखवा दे रखा है। इसके बाद आती है जो आपकी हेडिंग, वो आती है हिंदी बोलियां और उनके क्षेत्र, ठीक है। नहीं हिंदी बोलियां जो है और उनके क्षेत्र, देखो हमने कहा पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां होती है, ठीक है। नहीं अब पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात कर ले, तो उन्होंने कहा कि 5 बोलियां, देखो एक तो खड़ी बोली या कोरबी बोलते हैं जिसको, ठीक है। नहीं दूसरी है ब्रज, यानी ब्रज भाषा, तीसरी है हरियाणवी, चौथी है बुंदेली, और पांचवी जो होती है कन्नौजी, ठीक है। नहीं इसके बाद आता है पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। अब पूर्वी हिंदी कौन सी हमारी, देखो उसमें वे बोलियां कौन कौन सी, एक अवधी होती है, एक बाहुली होती है, एक छत्तीसगढ़ी होती है। इसके बाद राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां कौन कौन सी, नंबर फर्स्ट पश्चिमी राजस्थानी, इसको मारवाड़ी बोलते हैं, ठीक है। नहीं और सेकंड जो है हमारी पूर्वी राजस्थानी है, जिसको जयपुरी बोलते हैं। इसके बाद थर्ड जो है उत्तरी राजस्थानी आती है हमारी, उसको जो हम क्या बोलते हैं, मेवाती बोलते हैं। और फोर्थ जो है हमारी दक्षिणी राजधानी, वो सॉरी राजस्थानी होती है, जिसको मालवी बोलते हैं, ठीक है। नहीं और अभी ये भी बात है कि जो हिंदी का जो नाम आया है वो किसने दिया था, तो हमारी जो भाषा है हिंदी, इसका नाम जो हिंदी दिया है वो ईरानी ने दिया था, ठीक है। नहीं इसके बाद अगर हम बात करें कि हिंदी की विश्व, देखो हिंदी जो है ना विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है, ठीक है। नहीं अब हिंदी शब्द का जो विकास हुआ है वो कई चरणों में हुआ है, कि हिंदी भाषा का विकास जो है वो कई चरणों में हुआ है, कई पद में हुआ है। अभी आपको दिखाया भी है कि पहले सिंधु है, उससे हिंदू, और उसमें ई जोड़ने पर क्या बन जाती है, हमारी हिंदी बन जाती है, ठीक है। नहीं करते एक बार इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ से, यानी कि अब ने आपको बता दिया कि भाषा क्या है, इसके आपको रूप बताए, 3 रूप होते हैं इसके, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, इसके प्रकार बताए, मातृभाषा, क्षेत्र भाषा और राजभाषा। राजभाषा मैंने बताया कि राजभाषा हमारी हिंदी है, और अनुच्छेद जो 343 में है, और भाग 17, और अनुसूची हमारी 8 है, जो हिंदी भाषा से हमारी जुड़ी हुई है, जो राजभाषा से जुड़ी हुई है।
इसके बाद मैंने कहा हमारे देश में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, और मैंने इसके बाद आपके लिए बोलियां बताई हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी की मैंने 5 बोलियां आपको बताई, पहली खड़ी बोली या कोरवी, दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी हरियाणवी, चौथी बुंदेली और पांचवी कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी की भी 3 बोलियां मैंने आपको बताई, अवधी, बहौली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थानी की, मैंने 4 बोलियां बताई आपको, पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी बोलते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसको जयपुरी बोलते हैं, और तीसरी जो है मैंने उत्तरी राजस्थानी जिसको मेवाती बोलते हैं, दक्षिणी राजस्थानी जिसको मालवी बोलते हैं, ठीक है नहीं। और जो देखो हमारी भाषा का जो नाम है हिंदी, वो ईरानियों ने दिया था, ये भी मैंने अभी आपको बताया। और ये भी मैंने आपको बताया कि हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, ठीक है नहीं। और हिंदी का जो आविष्कार हुआ और मैंने की कई विकास जो हुआ है वो कई चरणों में हुआ, जैसे हमने कहा सिंधु, और सिंधु से निकला हिंदू, और हिंदी में ऐड करते हैं क्या आती है हिंदी। तो इससे पहले मैंने आपको बताया कि हिंदी का विकास जो कई जो विकास हुआ था वो कई चरणों में हुआ था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन हिंदी कौन से चरण की बोली जाएगी और मध्यकालीन हिंदी कब बोली जाएगी। तो प्राचीन हिंदी जो हमारी है वो प्राचीन हिंदी हमारी यहाँ पर बोली जाएगी 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक की, ठीक है नहीं। और यहाँ पर कितना बोल लेते हैं आप, इसके बाद मध्यकालीन हिंदी जो है हमारी 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि आधुनिक हिंदी क्या है, यानी कि 1400 ईस्वी से लेकर 1850 तक क्या रही है हमारी मध्यकालीन, और 1850 से लेकर जो अब तक चल रही है वो हमारी क्या रहेगी आधुनिक हिंदी क्या रहेगी, ठीक है नहीं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है अपना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, और कई बार क्वेश्चन आ गई कि हिंदी की जगह जो है वो संस्कृत भाषा को हम कहते हैं। इसके बाद हिंदी का जो विकास क्रम है वो मैंने विकास क्रम आपको यहाँ पर दर्शाया भी है कि देखो यहाँ संस्कृत से पाली निकली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद अवहट, और उसके बाद हिंदी का जन्म हुआ, ठीक है नहीं। इसलिए संस्कृत को हिंदी का मतलब की जननी बोला जाता है, ठीक है नहीं। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बिहार में हिंदी की 3 बोलियां होती है, बिहार में क्या होती है हिंदी की 3 बोलियां, जिसको मगही, भोजपुरी और मैथिली बोलते हैं, ठीक है नहीं। तो बिहार में 3 बोलियां हमारी मगही, भोजपुरी और मैथिली। अब नोट एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि हिंदी के क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाली सबसे सर्वाधिक भाषा है, यानी देखो भोजपुरी जो है हिंदी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बोली जाती है, ठीक है नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर दिया हुआ है भोजपुरी में लिखित साहित्य क्या है, नगण्य, यानी कि ना के बराबर है, इसे कोई लिखित साहित्य नहीं है। लेकिन इसके जो रचनाकार है वो भिखारी ठाकुर है, जो आपका भिखारी ठाकुर है उसको हम भोजपुरी का शेक्सपियर तथा भोजपुरी का वासिंदर भी कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो ये भोजपुरी का कोई लिखित साहित्य नहीं है, ये तो लेकिन ना के बराबर है। और इसके रचनाकार जो माने गए हैं वो भिखारी ठाकुर को माना गया है, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर और वासिंदर कहा जाता है, ठीक है नहीं। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो ब्रजभाषा में देखो किशन भक्ति समस्त रीति काल साहित्य ब्रजभाषा में ही लिखे गए हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ भी ये पॉइंट दिया भी है आपको कि ब्रजभाषा में किशन भक्ति तथा समस्त रीति काल हिंदी रीतिकाल साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है नहीं। इसके बाद कि ब्रज भाषा के जो अमर कवि रहे वो, यहाँ से क्वेश्चन कभी आ जाता है कि ब्रज भाषा के कवि को, यानी कि 4 ऑप्शन आपको देता है और पूछता है कि निम्न में से ब्रज भाषा के कवि कौन से हैं या कौन रहे हैं, इस टाइप का भी आ जाता है, ठीक है नहीं। तो उसमें सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, भिखारी, मतीराम, भूषण देव, और आपके भातुंदर, हरिश्चंद और जगन्नाथ दास आदि, ये सभी क्या है ब्रजभाषा के अमर कवि रहे, ठीक है नहीं। तो यानी कि सूरदास रहा, और नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव और भातुंदर, हरिश्चंद्र और जगन्नाथ, इधर ये फेमस पर्सनैलिटी जो भातुंदर, हरिश्चंद्र हुआ, सूरदास हुए, यहाँ पर रहीम जी हुए, रसखान हुए, बिहारी और जी आपके जगन्नाथ दास, ठीक है, ये फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है नहीं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्रजभाषा, यानी ब्रजभाषा के देखो बाहर क्या है, देखो ब्रजभाषा जो देश के बाहर क्या होगी ना, देखो कहाँ बोली जाती है, वो ताजिकिस्तान में बोली जाती है, यानी हमारे देश के अलावा कहाँ और बोली जाती है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। तो ये वो दिया हुआ है हमें यहाँ पे क्या है ताजिकिस्तान में, ठीक है नहीं। तो यानी कि हमारे देश के बाहर जो ब्रजभाषा बोली जाती है वो ताजिकिस्तान में बोली जाती है। उसके बाद जो आता है अवधी, यानी अवधी भाषा। अब देखो जो अवधी हमारी बोली है वो क्या है, सूफी काल तथा राम भक्ति काव्य की रचना अवधि में हुई है, यानी कि सूफी काव्य और जो राम भक्ति की जो रचना हुई है वो हमारी अवधि में ही हुई है,
इसके बाद अगर मैं बात करूं उनकी भाषा की, कुछ सुप्रसिद्ध कवि रहे जैसे कि अभी अपने यहाँ पे स्क्रीन पढ़े हैं ब्रजभाषा के अमर कवि पढ़े हैं, ऐसे इसके भी सुप्रसिद्ध कवि हैं कि ये फेमस पर्सनैलिटी जो उसके, जैसे मुल्ला दाऊद फेमस पर्सनैलिटी पाएगा, कुतुबुद्दीन मंझन मंझन भी ये आपका फेमस में है, और जायसी, तुलसीदास, नारायण दास और आपका जगजीवन साहब और रघुनाथ दास, ये सब क्या है अवधी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि है, फेमस पर्सनैलिटी है। कर लेते हैं एक बार इसका रिकॉर्डिंग, मैंने आपको बता दिया जैसे प्राचीन हिंदी जो है वो 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक के है, और मध्यकालीन हिंदी जो है वो हमारी 1400 ईस्वी से लेकर 1850 तक की है, और जो आधुनिक हिंदी है वो हमारी 1850 से लेकर जो अब तक समय जो हमारा चल रहा है तो अब तक ये क्या है हमारी आधुनिक हिंदी मानी जाती है। अब हिंदी की जननी जो हमने बता दी कि क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा भी गया है, तो हिंदी की जननी संस्कृत को माना जाता है, वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया भी है, ठीक है नहीं। और उसका जो विकास क्रम है मैंने वो विकास क्रम भी आपको यहाँ पर दर्शाया है। विकास क्रम में क्या है कि यहाँ पर देखो संस्कृत है, संस्कृत से पाली भाषा निकली, पाली भाषा से प्राकृत भाषा, और उससे ब्रजभाषा, उसके बाद अवहट भाषा, उसके बाद हिंदी का जन्म हुआ, ठीक है नहीं। इसके बाद मैंने कहा बिहार में हिंदी की तीन बोलियां होती है, मगही, भोजपुरी और मैथिली, ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि हिंदी के क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाली सर्वाधिक भाषा है, यानी सबसे अधिक भोजपुरी बोली जाती है हिंदी के क्षेत्र में। उसके बाद भोजपुरी में लिखित साहित्य नगण्य है, यानी कि जो लिखित साहित्य उसके ना के बराबर है, ठीक है नहीं। तो और इसके जो रचनाकार रहे वो भिखारी ठाकुर रहे, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर तथा भारतेंद्रचंद भी कहते हैं, भारतेंद्र कहते हैं, ठीक है नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर की ब्रजभाषा, ब्रजभाषा में क्या है कि जो हमारी कृष्ण भक्ति है समस्त रीतिकाल साहित्य ब्रजभाषा में ही लिखे गए हैं आपके, ठीक है नहीं। तो कहीं कहीं कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका कि कृष्ण भक्ति किस भाषा में ली गई है, तो वो ब्रजभाषा है हमारी। अब ब्रजभाषा कुछ अमर कवि रहे जैसे कि मैंने आपको बताया सूरदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, मतीराम, भूषण देव और भारतेंद्र, हरिश्चंद्र और जगन्नाथ, ठीक है नहीं। फेमस पर्सनैलिटी मैंने आपको बताया कि सूरदास रहे, रहीम, रसखान, बिहारी और आपके भारतेंद्र, हरिश्चंद्र और जगन्नाथ, ठीक है नहीं। ब्रजभाषा के देश के देखो अब ये कह रही है ब्रजभाषा जो है देश के बाहर कहाँ बोली जाती है, तो वो जो बोली जाती है ताजिकिस्तान में बोली जाती है, ठीक है नहीं। इसके बाद जो अवधी भाषा है, अवधी भाषा है सूफी काव्य, यानी कि देखो जो अवधी भाषा है अवधी भाषा में जो लिखे गए हैं वो हमारे क्या है सूफी काव्य, राम भक्ति जो है की जो रचना है वो क्या होती है अवधी भाषा में हुई है, ठीक है नहीं। अब अवधी भाषा के जो सुप्रसिद्ध कवि रहे, जो फेमस पर्सनैलिटी रही इसकी, वो कौन थे, मुल्ला दाऊद, कुतुबुद्दीन हुआ और मंझन, जायसी, तुलसीदास, नारायण दास और सॉरी नारायण दास, जगजीवन साहब और रघुनाथ दास, ये सभी क्या है अवधी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि रहे, ठीक है नहीं। तो ये था अभी हिंदी का जो इतिहास हम पढ़े थे उसका पहला पार्ट, ठीक है। अब जल्द ही आपके सामने मैं सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हूंगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।